गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, होल नंबर्स एंड दी नंबर्स रे। चैप्टर नंबर 3 का आपसे टेस्ट लिया जाएगा क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है पेज नंबर 25, एक्सरसाइज है 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 512 प्लस 205 है, हमारे पास राइट हैंड साइड पे प्लस 512 तो है लेकिन 205 नहीं, इसलिए हमने यहाँ 205 लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल कर दी। 5430 में अगर 0 प्लस करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखें, 54 प्लस 40 इज़ इक्वल टू 84, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ द टू इवन होल नंबर इज इवन, क्योंकि टू इवन होल नंबर का अगर आंसर इवन ही होगा तो वो ट्रू होगा। द सम ऑफ द टू ऑड होल्स नंबर इज ऑड, फॉल्स है। द सम ऑफ द वन इवन एंड वन ऑड होल नंबर इज इवन, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ द 3 डिजिट एंड द स्मॉल इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। चले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखें, हमने डिफरेंस फाइंड करना है इवन नंबर में, स्मॉलेस्ट इवन नंबर में और लार्जेस्ट ऑड नंबर में। द लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर क्या हमारे पास, 999। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर क्या है, 100। तो डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं, डिफरेंस हमेशा फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस करेंगे। हम 999 में से 100 को माइनस किया तो 899 हमारे पास इसका आंसर आया। आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 4, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले देखें, 8 माइनस, हमने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल करनी होती है, तो 8 माइनस करली ब्रैकेट 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 माइनस 2, तो ये ट्रू है क्योंकि देखें ये माइनस का साइन है, तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हुआ, तो 8 में से 6 को माइनस किया 2। अब यहाँ पे भी हमारे पास है, 8 में से हमने 4 को माइनस किया 4, 4 में से 2 को माइनस किया 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास 10 माइनस 6, हमेशा हमने सबसे पहले जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करके फिर हम अगर माइनस का साइन है तो वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, अगर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करके ही लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो सेकंड भी हमारी फॉल्स है। थर्ड वाली है हमारे पास 10 माइनस 6 माइनस 4 है, तो माइनस का साइन अंदर, माइनस 6 माइनस 4 क्या हुआ, माइनस 10, 10 में से 10 को माइनस किया 0। अब यहाँ पे देखें, 10 में से 6 को माइनस किया 4, 4 में से 4 माइनस किया 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल होगी, 0 उसका भी आंसर, 0 इसका भी, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट है 12 माइनस 15 माइनस 12 और 12 माइनस 15, ये फोर्स है क्योंकि 15 में से 12 को माइनस किया तो 3 आया, और 12 माइनस 15 किया तो माइनस 3, एक प्लस का साइन है, एक प्लस 3 है और एक माइनस 3 है, इसलिए ये फोर्स है। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर हम अपना कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।